अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल इन अदर लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वन। लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बर्नौली इक्वेशन क्या थी। हमने बर्नौली इक्वेशन को अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन ड्राइव किया था। मैं जल्दी से एक रीकैप कर देता हूँ बर्नौली इक्वेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने बर्नौली इक्वेशन के अंदर एक पार्टिकल लिया था, जिस पार्टिकल के ऊपर जो पार्टिकल किसी स्ट्रीम लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहा है उस पर दो तरह की फोर्सेज ऐड करी। एक फोर्स जो है सरफेस फोर्स है और एक बॉडी फोर्स है। हमने फोर्सेस को सम किया था और उसको बराबर लिया था एफ इक्वल्स टू एम ए, कि यहाँ पे एफ जो है तमाम फोर्सेस का सम है, जो बॉडी फोर्सेस हैं और स्ट्रीम आपके पास सरफेस फोर्सेस हैं, एम ए जो है आपके पास मास टाइम एक्सेलरेशन है। उसके बाद हमने इसको सिंपलीफाई करने के बाद वी कम अप विद ऑल दीज मैथमेटिकल रिलेशंस जो हमने इस पर डिस्कस किए थे। हमने बात की थी कि बॉडी फोर्सेज जो है वो सिर्फ वेट है और सरफेस फोर्सेज जो है आपके पास सिर्फ प्रेशर फोर्सेज हैं। हमने शेयर फोर्स क्यों नहीं ली, बिकॉज शेयर फोर्स जो है वो फोर्स है जो कि आपके पास इन जो विस्कस फ्लो में होती है। और बर्नौली इक्वेशन की बुनियादी अजम्पशन ये है कि फ्लो जो है वो इनविसिड है, मतलब विस्कोसिटी उसमें कंसीडर नहीं की जा रही। तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी विच इज़ पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस गामा जेड, और वो कॉन्स्टेंट है अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन। दिस द सम ऑफ ऑल दीज थ्री प्रेशर्स इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन। आप अपने गौर कर सकते हैं कि इसके यूनिट जो है वो पास्कल्स के होंगे या जो भी यूनिट्स हैं प्रेशर के, वो यूनिट होंगे इस इक्वेशन के। इसमें ये प्रेशर पी है, ये हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो प्रेशर, इट हैज ऑल्सो यूनिट्स ऑफ प्रेशर न्यूटन में मीटर स्क्वायर, और गामा जेड जो है आपके पास उसके यूनिट ही प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखी थी कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, कि जब आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट बदलता है तो वेलोसिटी बदलती है, चाहे वो बढ़ती है, एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ कम होती है, बिकॉज हमें इसका समीशन जो है वो सेम रखना पड़ता है। तो सम ऑफ काइनेटिक वेलोसिटी हैट, प्रेशर हैट, स्टैटिक हैट और पोटेंशियल एलिवेशन हैट, एनर्जीज ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेंस कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड दैट द फ्लो इज स्टेडी, इररोटेशनल, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो फंडामेंटल अजम्पशन हमारे पास ये थी कि फ्रिक्शनलेस है फ्लो, जिसमें मतलब इसका मतलब कि आपके पास कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है। इररोटेशनल है कि मतलब कोई आपके पास ग्रेडियंट्स मौजूद नहीं है वेलोसिटी के। इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, आपके पास स्टडी है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। फिर हमने बात देखी थी कि हमारे पास तीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बर्नौली इक्वेशन होती है। पहली होती है एनर्जी फॉर्म, दूसरी प्रेशर फॉर्म और तीसरी हेड फॉर्म। एनर्जी फॉर्म बेसिकली ये है कि हमारे पास, अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे जी जेड लिखा है, समझना इसलिए आसान है। जी एच का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब ये एम नहीं लिखा, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई मास, तो इट्स अ स्पेसिफिक एनर्जी, राइट। वी स्क्वायर अपॉन टू का मतलब है कि यहाँ पे एम अगर होता तो ये काइनेटिक एनर्जी होती, जो कि नहीं है, तो इसके यूनिट जो होंगे वो जूल्स पर केजी हो जाएंगे। सिमिलरली प्रेशर फॉर्म काफ़ी आसान है समझना, तो इससे हमने क्योंकि हमने ड्राइव भी वाली फॉर्म की थी और ये वाली फॉर्म जो है वो इससे डिड्यूस हुई है। अगर आप डिवाइड करते हैं थ्रू आउट इस इक्वेशन को प्रेशर फॉर्म को, जो हमने एनर्जी हमने ड्राइव की थी, तो हमारे पास एनर्जी फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसी प्रेशर फॉर्म को डिवाइड करता हूँ रो जी के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, हेड फॉर्म। हेड फॉर्म का पहचानना इसलिए आसान है कि हेड फॉर्म में जो ये वाले एच है ये सिंपली इसके यूनिट्स होंगे मीटर्स होंगे। ये तमाम के तमाम जो है वो बर्नौली इक्वेशन ही हैं, उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इन तमाम के सम जो हैं वो अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन कॉन्स्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं, ये बात हमने भी डिस्कस की है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड अकर्स साइमल्टेनियसली विद द डिक्रीज ऑफ द प्रेशर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो वेलोसिटी, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी अगर में तब्दीली अगर आ रही है, वो बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उससे असर क्या पड़ रहा है कि उस पर उसके उसके प्रेशर पर और उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर फर्क पड़ रहा है। अगर आप गौर कीजिए कि यहाँ पे दो डिफरेंट पॉइंट्स पर बर्नौली इक्वेशन लिखी हुई है, पी प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस गामा जेड वन इक्वल्स टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस गामा जेड टू, राइट। अब आप देखें, अगर इन दोनों इन तीनों का सम बराबर है, इन तीनों के सम के जो कि पॉइंट वन और पॉइंट टू पर लगे हुए हैं, अगर मुझे इन तीनों के सम बराबर करने हैं, तो अगर मैं पी वन कम करूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और फिर इस केस में यहाँ पे क्योंकि मुझे इसके बराबर सम करना है, तो इसका अगर कोई भी एक फैक्टर कम करता है दूसरे फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपके राइट साइड पर जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। अच्छा, इसकी जो अजम्पशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम अगर ये अजम्पशन अगर पूरी नहीं होती तो वी कैन नॉट अप्लाई बर्नौली इक्वेशन इन एनी फ्लो। तो यहाँ पे अजम्पशंस कुछ इस तरह की हैं कि पहली बात कि ये विस्कस फ्लो नहीं होना चाहिए, विस्कस इफेक्ट्स जो है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो विस्कोसिटी है वो तो हर फ्लूइड में मौजूद होती है,
विस्कोसिटी जीरो नहीं हो सकती बिकॉज दैट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी. क्या जीरो हो सकता है हमारे पास, ये जीरो हो सकता है कि जो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स है वो जीरो है ऑलमोस्ट, कि आपके पास जो फ्लो है वो यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, फ्लो जो है यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, फ्लो जो है स्टेडी है, फ्लो में टाइम डिपेंडेंस नहीं है, प्रॉपर्टीज मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और फ्लो जो इक्वेशन है वो हम कहाँ लगा रहे हैं, अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन, हम अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन अप्लाई नहीं करते. आई होप बर्नौली प्रिंसिपल और बर्नौली इक्वेशन यहाँ तक क्लियर हुई हुई. हम आगे चलते हैं. हम यहाँ देखते हैं कि स्टैटिक डायनेमिक स्टैग्नेशन टोटल प्रेशर की डेफिनेशन क्या है. हम बात अगेन वो करते हैं कि दिस इज़ आर प्रेशर फॉर्म ऑफ द बर्नौली इक्वेशन, ये कॉन्स्टेंट होती है अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन. आपके पास जो पहला पी होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर, और वो एक्चुअल थर्मोडायनेमिक प्रेशर होता है. ये वो प्रेशर है जो मॉलिक्यूल्स लगाते हैं किसी सरफेस के ऊपर. ये जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द थर्म ऑफ अ फ्लूइड या मॉलिक्यूल ऑफ अ सब सिस्टम किसी भी सरफेस के ऊपर यूनिट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रेशर. यहाँ पे पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक प्रेशर या थर्मोडायनेमिक प्रेशर. डायनेमिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है जो एसोसिएटेड है फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी के साथ. या फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी है एंड दैट वेलोसिटी इज बेसिकली is causing some pressure increase, right? तो दूसरी टर्म जो है वो हाफ रो बी स्क्वायर जो है काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएट होती है. अच्छा, स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है? अगर आपके पास किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मिसाल के तौर पर हम इसकी बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक बॉल है और यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं 0.1 यहाँ लेता हूँ आउट लाइक अवे फ्रॉम द बॉल और 0.2 ऑन द सरफेस ऑफ द बॉल लेता हूँ तो इसका जिसका एलिवेशन डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि गामा जेड वन बराबर है गामा जेड टू के, तो ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे राइट हैंड लेफ्ट साइड पर. इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि जेड वन और जेड टू बराबर है अगर स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो टकरा रहा है. जब वो टकरा रहा है तो क्या हो रहा है कि प्रेशर 0.1 पर वेलोसिटी भी है और पी1 भी है, वह 0.2 पर वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि वो स्टेग्नेंट हो गया, मतलब रुक गया फ्लूइड. फ्लूइड पार्टिकल जब टकराया इस सरफेस से तो वो रुक गया, जिसकी वजह से यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई और प्रेशर जो है वो P2 रहा. तो यहाँ पर जो P2 है वो बड़ा है कम्पेयर टू P1 बिकॉज के 0.1 का जो वेलोसिटी था हेड था वो भी 0.1 के प्रेशर हेड में ऐड हुआ जो जब वो P2 बना दिया, ठीक है. तो स्टैग्नेशन प्रेशर जो है वो बड़ा होता है डायनेमिक प्रेशर से और आपके पास स्टैटिक प्रेशर अलॉन्ग द लाइन. अच्छा, टोटल प्रेशर जो होता है वो सिंपल होता है कि दिस इक्वेशन इज टोटल प्रेशर किसी भी लाइन के ऊपर, सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर को हम टोटल प्रेशर कहते हैं. मूव आगे चलते हैं. नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्यूब, वी हैव अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड पिटॉट स्टैटिक ट्यूब. ये डिवाइस जो है वो इस्तेमाल होती है फ्लूइड की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए. इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल सी हाउ इट वर्क्स. हमारे पास इसमें तीन डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4. इसमें 0.3 एंड 0.2 3 एंड 2 आर एट द सेम प्रेशर बिकॉज ये यहाँ पे ओपन टू एटमॉस्फेयर है. बराबर है पी की जो प्रेशर है बाहर से आ रहा है प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो कि आपके पास डायनेमिक प्रेशर है. 0.1 एंड 0.4 आर अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर बिकॉज यहाँ वेलोसिटीज नहीं है प्लस जो एलिवेशन डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो है. तो अगर मैं 3 और 4 के दरमियान आपके पास डिफरेंस निकालूँ तो मेरे पास सिंपली क्या आएगा, हाफ रो वी टू स्क्वायर बिकॉज पी जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास वेलोसिटी अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, P3 माइनस P4 डिवाइड बाय रो. यहाँ 3 क्या है और 4 क्या है, 3 जो है आपके पास स्टैग्नेशन प्रेशर है और 4 जो है स्टैटिक प्रेशर है. इसको समझते हैं हम इस फिगर से. यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोर है, यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है और यहाँ पे एक पीजोमीटर है. पीजोमीटर बेसिकली क्या करता है कि वो स्टैटिक प्रेशर मेजर करता है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड राइज हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स. बट जब आपने ट्यूब लगाई तो ट्यूब के अंदर भी कोई प्रेशर राइज हुआ है. अब ये जो फ्लूइड राइज हुआ है दैट इज इक्वल टू द वी स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि जो ये इसके बाद इसके से ज़्यादा राइज हुआ, राइट. तो आपके पास जो टोटल स्टैग्नेशन प्रेशर है वो क्या होगा, जब फ्लूइड टकराएगा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पर जब फ्लूइड टकराया तो क्या हुआ कि एक प्रेशर जो स्टैटिक प्रेशर था जो कि इस फ्लूइड के अंदर मौजूद था जिसने इसको राइज दिया, और जो एक्स्ट्रा राइज हुआ है इसके अंदर वो जो है आपके पास डायनेमिक प्रेशर है. अब आप और कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट टर्म है पी वो इस फ्लूइड पार्टिकल का स्टैटिक प्रेशर था जो कि जब यहाँ पहुँचा तो इस ट्यूब ने उसको डिटेक्ट कर लिया. बट पिटॉट स्टैटिक जो पिटॉट ट्यूब ने जो राइज किया वो
यहाँ तक तो किया ही किया, बट उसने उसको वी स्क्वायर अपॉन टू भी राइज कर दिया। तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब, एक तो है पिटॉट ट्यूब जो स्टैग्नेशन प्रेशर कैलकुलेट कर रही है, और दूसरी ट्यूब जो है पीजोमीटर ट्यूब है जो कि कंबाइनली पिटॉट स्टैटिक ट्यूब कहलाती है। अब इस पॉइंट पर आपके पास जो है प्रेशर जो है वो किस तरह हो जाएगा, वेलोसिटी से बराबर हो जाएगी टू टाइम्स पी स्टैग्नेशन माइनस पी अपॉन रो। तो दिस इज एक्चुअली द सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एग्जैक्टली यही रिलेशन है जो आपने यहाँ पर देखा है। सिर्फ फर्क है कि पी स्टैग्नेशन जो है वो आपके पास इस ट्यूब से आ रहा है और पी जो है आपके पास दूसरे ट्यूब से आ रहा है, एंड फ्रॉम कैलकुलेट बाई यूजिंग दिस ट्यूब विच इज वैल्यूएटिंग टू डिफरेंट प्रेशर, वन इज स्टैटिक प्रेशर एंड वन इज टोटल प्रेशर विच इज स्टैग्नेशन प्रेशर विच इज पी प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन टू गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ द अपस्ट्रीम फ्लूइड। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये देखना पड़ता है कि किसी भी फ्लो के अंदर जो बर्नौली इक्वेशन की वैलिडेशन क्या है, कि किस किस पॉइंट्स के ऊपर किन रीजन में वेलोसिटी बर्नौली इक्वेशन वैलिड है और किन रीजन में बर्नौली इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो याद रखिएगा जो रीजन्स किसी बॉडी या सरफेस से करीब हैं वहाँ पे ये वैलिड नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि इस रीजन इन रीजन के अंदर आपके पास विस्कस इफेक्ट डोमिनेटिंग है, आपके पास यहाँ पे जो फ्लूइड के दरमियान लेयर्स में रेजिस्टेंस मौजूद है, इसकी वजह से हम यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज बर्नौली इक्वेशन की फंडामेंटल असम्पशन क्या है कि यहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। जैसे जैसे आप इस बॉडी से दूर जा रहे हैं या इस वॉल से दूर जा रहे हैं, बिकॉज दिस पिंक रीजन इज शोइंग दैट द बर्नौली इक्वेशन इज इनवैलिड, तो यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे रिलेटिवली द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे आपके पास बर्नौली जहाँ पे जो आपके पास बर्नौली इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैन लगा हुआ है चैनल के अंदर, फैन के आसपास तो हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे फ्लो जो है वो इरोटेशनल नहीं रहा, बिकॉज फ्लो फैन इज रोटेटिंग द फ्लो। तो जो एक और अजम्पशन ये है कि बर्नौली इक्वेशन के दौरान हम जो है फ्लो रोटेशनल नहीं होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। तो इससे पहले अपस्ट्रीम और इसके बाद डाउनस्ट्रीम ये हम अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक चैनल है जिसमें कुछ लेट्स से देयर इज अ फायर गोइंग ऑन, कुछ हीट जनरेट हो रही है, तो इस हीट से दूर का जो रीजन है और दीवार से दूर का रीजन जो है सेंटर का, यहाँ पर तो हम बर्नौली अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे जैसे हम दीवार के करीब आ रहे हैं या वॉल के करीब आ रहे हैं तो विस्कस इफेक्ट डोमिनेट करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर वन हमने बात देखी थी कि आपके पास जो शेयर स्ट्रेस होता है वो ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन वॉल के करीब होता है, तो हम यहाँ पे बर्नौली को अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे जैसे आप दूर चले गए कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही होगी बिकॉज आप यहाँ पे हीट अप कर रहे हैं। तो दीज ऑल पिंक रीजन्स एंड दिस ग्रे रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द रीजन्स वेयर यू कैन नॉट अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन एंड द इक्वेशंस आर इनवैलिड। दिस इज एन एग्जांपल, वी विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल एग्जांपल लेटर इन दिस चैप्टर, फर्स्ट वी विल कवर द थ्योरी पार्ट, तो हम इसको स्किप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कुछ हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं या कह लें आप बाउंड्री कंडीशन हैं जो हम देख लेते हैं। When subsonic jet of liquid or gas exits from a duct into the free atmosphere, it immediately takes the pressure of that atmosphere. इसका मतलब क्या, देखिए जब भी कोई जेट मतलब जेट से फ्लो है वो अगर जैसे ही किसी डक्ट से या किसी नोजल से या किसी भी चीज़ से बाहर निकलता है टू बाहर निकलने के वो उसकी जो एग्जिट है वो एटमोसफेयर की तरफ होती है, तो वो फ़ौरन एटमोसफेयर प्रेशर ले लेता है, जिसकी वजह से जो पी एग्जिट होता है वो बराबर होता है पी एटमोसफेयर के। और आमतौर पर अगर हम गेज प्रेशर की बात करते हैं तो गेज प्रेशर में पी एटमॉस्फेयर जो है वो ज़ीरो होता है, तो यूजुअली हम वो तमाम सरफेसेस जो कि किसी ओपन टू एटमॉस्फेयर है उसमें हम उसको ज़ीरो के बराबर लेते हैं, ऑल्दो वो ज़ीरो नहीं है बिकॉज इट इज़ इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, बट सिंस वी आर टेकिंग द गेज प्रेशर तो उसको हम ज़ीरो के बराबर ले लेंगे तमाम एग्जिट्स को। लार्ज रिजर्वायर हो, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि आपके पास एक रिजर्वायर बहुत बड़ा है और देन देयर इज अ पाइप व्हिच इज हैविंग द फ्लूइड इन इट एंड इट्स फ्लोइंग फ्लूइड, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर तो जेट वेलोसिटी जेट होगा, सबसोनिक जेट है, और यहाँ प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, और सिमिलरली जो प्रेशर जो इसका प्रेशर होगा इस ओपन टू एटमॉस्फेयर का तो एटमॉस्फेयर होगा ही होगा, बट हम यहाँ पे जो वेलोसिटी उसको भी हम जीरो लेंगे बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास कंपेयर टू द जेट वेलोसिटी आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ द टैंक है वो बहुत स्लो है, it is moving downwards with a very low velocity, so we will consider we assume that the velocity is almost zero. So ek assumption ye hai, ek assumption ye hai ki jet ka pressure jo hai atmospheric pressure hai, jet exit pressure atm ke barabar hai,
और आपके पास जो रिजर्वायर वेलोसिटी है वो आपके पास वो जीरो है, बिकॉज रिजर्वायर इज मूविंग विद अ वेरी वेरी लो वेलोसिटी। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एनर्जी हेड्स एंड टाइप्स। हमारे पास एक सिरिंज है, एक जिसको इसमें प्लंजर लगा हुआ है, देयर इज अ फ्लूइड इन इट। हम ऊपर से प्रेशर, हम पीछे से प्रेशर एग्जिट करते हैं उसका, और हम ये देखते हैं कि प्रेशर जो है वो किस तरह वेरी कर रहा है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो वी हैव थ्री डिफरेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट जो है वो एट द टॉप ऑफ प्लंजर है, दूसरा पॉइंट जो है वो नोजल के एग्जिट के ऊपर है, और तीसरा पॉइंट जो है आपके पास उस पॉइंट पर जब आपके पास फ्लूइड जो है वो एक खास सर्टेन हाइट के पास जाता है और फिर वो रुक जाता है। नाउ पॉइंट वन को हम एनालाइज करते हैं। हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, काइनेटिक हेड जो है मतलब रो वी 0.2 जो काइनेटिक है जो ड्यू टू द वेलोसिटी, पोटेंशियल जो ड्यू टू द पोजीशन, और प्रेशर जो उसका थर्मोडायनेमिक प्रेशर है। नाउ अब आप देखते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ गेज प्रेशर की, तो काइनेटिक, सिंस द पार्टिकल एट पॉइंट वन इज मूविंग विद अ वेरी स्लो वेलोसिटी एज बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द प्लंजर इज वेरी लो, तो जो काइनेटिक हेड है प्रेशर का वो बहुत छोटा है। अच्छा, अगर मैं डेटम पॉइंट वन पर बना लेता हूँ तो मेरे पास पोटेंशियल हेड जीरो है, बिकॉज हम जो है वो यहीं पर खड़े हैं जहाँ पर हमने डेटम बनाया हुआ है। प्रेशर लार्ज बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं किस चीज़ को, इस प्लंजर को। तो आपके पास प्रेशर जिसको हम स्टैटिक प्रेशर या थर्मोडायनेमिक प्रेशर कहते हैं वो बराबर है, वो बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट टू। पॉइंट टू जो है वो एग्जिट है, किसका एग्जिट है, आपका नोजल का या सिरिंज का। सिंस द ओपनिंग इज वेरी स्मॉल इन ऑर्डर टू हैव द सेम फ्लोरिड, आपके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके पास वेलोसिटी जो काइनेटिक हेड है प्रेशर फॉर्म ऑफ बर्नौली का वो बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल हेड थोड़ा जीरो नहीं है बट थोड़ा सा है, बिकॉज वन से लेकर टू के दरमियान हाइट बहुत कम है, और प्रेशर जो है वो स्टैटिक प्रेशर जीरो है बिकॉज नाउ दिस इज ओपन टू एटमोसफियर। ठीक है जी, तो हम गेज प्रेशर लेकिन जीरो ले लेते हैं। नाउ कम टू पॉइंट थ्री। पॉइंट थ्री पर फ्लूइड जो है वो रुक गया, एंड रुकने के बाद जब रुक गए थे तो आपके पास वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो, एंड हेंस द काइनेटिक हेड विल बी जीरो। पॉइंट थ्री पर मैक्सिमम पोटेंशियल हेड है बिकॉज पॉइंट वन से लेकर पॉइंट थ्री तक का मैक्सिमम हाइट डिफरेंस है, और प्रेशर अगेन जीरो बिकॉज द स्टैटिक प्रेशर एट पॉइंट थ्री इज इक्वल टू द PATM, सो दिस मेक्स द होल टर्म जीरो। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो जो होगी भी, इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में इन चीज़ों को और डिस्कस कर लेंगे आपको कोई सवाल हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल नाउ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम स्लाइड।